आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। दिस इज आर थर्ड क्लास। देर आर सम कमेंट्स इन आर कमेंट सेक्शन दैट सर प्लीज स्पीक इन इंग्लिश फॉर सम टाइम। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश में बोलना कुछ गलत है। आपके पास जो कंटेंट आपको दिखाई दे रहा है वो इंग्लिश में है, लेकिन यहाँ पे कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे भी हैं जिनके कारण मुझे हिंदी में बोलना पड़ता है और वो जरूरी भी है। देखिए, इस क्वेश्चन की यदि हम बात करूं, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम हम खराब करेंगे नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम है और जितना टाइम हम डिवोट कर पाए अपने क्वेश्चंस के अंदर उतना ज्यादा अच्छा है। आपके लिए अच्छा ये होगा कि आप इनको स्पीड में करने की कोशिश करें। मेरी आपसे हर बार यही रिक्वेस्ट होती है कि आप सारे क्वेश्चंस को स्पीड में करने की कोशिश करें, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन यदि आपने निकाल लिया तो मेंस में आपको आसानी से टाइम मिलेगा कि आप एक एक क्वेश्चन पे फोकस कर सकें, लेकिन प्री में आपके पास इतना टाइम नहीं है। इसलिए आप जो है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को जल्दी करने की कोशिश करें, डेफिनेटली आप लोग सेलेक्ट हो पाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस सेशन के अंदर सबसे पहले आज हमने जो क्वेश्चंस लिए हैं उसमें इनइक्वालिटीज के कुछ क्वेश्चंस हैं। आप देख रहे होंगे कोडिंग फॉर्म में के इनइक्वालिटी है ये हमारे पास, दिस इज योर कोडेड फॉर्म इनइक्वालिटी। ठीक है, और कोडेड फॉर्म इनइक्वालिटी के अंदर आपको पता है कि यहाँ पे कोई भी रिलेशन डायरेक्टली नहीं गिवन होगा। द रिलेशन इज, यहाँ पे जो भी रिलेशन आपके पास में होगा वो सारे की सारे रिलेशंस आपके पास में कोडिंग फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले यदि मैं बात करूं कोडिंग फॉर्म की, तो हमें इसके लिए चार्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए हमारे यहाँ पे सिंबल का चार्ट तैयार करेंगे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें पता है वी नो दैट देयर आर ओनली 5 सिंबल्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड लेस देन इक्वल्स टू। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे चारों पांचों तरीके सिंबल्स साइन के लिए सिंबल्स तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज a@b। द फर्स्ट वन इज a@b मीन्स ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। इट मीन्स कि अगर कोई चीज छोटी और बराबर नहीं है देन इट इज ग्रेटर देन, तो वो क्या होगी, बड़ी। इट मीन्स ए इज ग्रेटर देन बी, वो कहना चाह रहा है। तो एट द रेट का मतलब व्हाट इज द मीन ऑफ एट द रेट, द मीन ऑफ एट द रेट इज एट द रेट। ठीक है, ओके, द मीन ऑफ एट द रेट इज ग्रेटर देन। सेकेंड, अगर आप यहां चेक करोगे तो लिखा हुआ है ए हैश बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, ए बी से छोटा नहीं है। तो अगर कोई किसी से छोटा नहीं है तो या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, मीन्स इट शोज ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये क्या बताएगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू को बताएगा। द नेक्स्ट वन इज कि डॉलर की बात की जा रही है, तो ए डॉलर बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, अच्छा ना तो वो बड़ा है और इक्वल्स टू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नॉट ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का मतलब है कि बड़ा बराबर नहीं है, मतलब क्या है, वो छोटा है। इट मीन्स इट शोज डॉलर शोज लेस देन। आगे हमसे तो परसेंटेज बड़ा नहीं है तो छोटा बराबर होगा, इट मीन्स इट शोड लेस देन इक्वल्स टू। एंड द लास्ट वन इज ना तो बड़ा है ना छोटा है, मीन्स इट इज इक्वल्स टू, तो दैट इज योर इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये कुछ पांच तरह के सिंबल हैं जो हमें साइन की फॉर्म में चाहिए। क्वेश्चन हमें सिंबल की फॉर्म में ही दिखेंगे, हमें उसे सॉल्व करना है साइन की फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ सबसे पहले। अब जो भी क्वेश्चन हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो सिंबल की फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अगर हमें नीड होगी तो हम इसको नीचे भी बना लेंगे। यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देखो तो कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लिंक्ड है। यहाँ पे मुझे इसको अलग तरीके से रोटेट करके लिंक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि हैश का मतलब क्या है, डॉलर का क्या है। तो ये एक फैमिली हो गई आपके पास में डॉलर हैश की, और दूसरी फैमिली हो गई आपके पास में, सॉरी, एट द रेट हैश की पहली फैमिली हो गई और डॉलर परसेंटेज की दूसरी फैमिली आपके पास में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं आपसे क्वेश्चन नंबर वन की, तो क्वेश्चन नंबर वन के अंदर आपसे पूछा गया है, कंक्लूजन में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि पी एट द रेट आर का मतलब होगा। तो सबसे पहले आपको एट द रेट का मतलब पता होना चाहिए, एट द रेट इज ग्रेटर देन, यहाँ शो कर रहा है कि एट द रेट इज ग्रेटर देन। तो P ग्रेटर देन R है क्या, ये आपको बताना है। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो P से R तक जाना है तो बस हमें यही पाथ फॉलो करना है, क्यों कॉमन है, और P और R के बीच में आपको पता होना चाहिए। यदि मैं इसको बनाऊंगा यहाँ पे तो ये कुछ इस तरीके से डिजाइन होगा, P हैश Q डॉलर R, और आपको पता है हैश का मतलब होता है बड़ा बराबर और डॉलर का मतलब होता है छोटा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरह की फैमिली आ गई है, और जब दोनों तरह की फैमिली आ गई है तो हम उनको कंपेयर नहीं कर सकते, आप केवल एक ही तरह की फैमिली के मेंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन होगा वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग, फर्स्ट गलत हो गया। सेकंड की बात करते हैं,
सेकंड आपको कह रहा है एट द रेट, अगेन एट द रेट, इसका मतलब क्या कह रहा है, पी ग्रेटर देन एस, अगेन उसने एट द रेट लगाया, एट द रेट का मतलब ग्रेटर देन, पी ग्रेटर देन एस यदि वो बोल रहा है तो अब आपको एस तक जाना पड़ेगा, एस तक जाने का मतलब आपको यहां तक आना पड़ेगा, और जब ये सिचुएशन होगी तो इसी आर से आप आगे बनोगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या आपको अब लगता है, क्योंकि जो आपके पास में ये जो आपको साइन दिख रहा है, ये वाला जो साइन आपको दिख रहा है, इसको जिसको हम एक्सक्लेमेटरी का साइन बोलते हैं, इसका मतलब है इक्वल्स टू, अभी भी वही बात आ गई, एक बड़ा एक छोटा, बराबर का कोई मतलब ही नहीं निकल रहा, क्योंकि एक बड़ा एक छोटा मतलब दोनों तरह की फैमिली आ गई, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और यदि मैं थर्ड की बात करता हूं तो थर्ड वन इज क्यू टी, जब क्यू से टी की बात करते हैं तो ये देखिए मैंने यहां बना दिया है क्यू से टी, और क्यू से टी जब आप जाओगे तो क्यू डॉलर आर, ये आपके पास एस और ये आपके पास टी, आपको बोला है डॉलर, दिख रहा है यहाँ पे डॉलर, क्यू डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, डॉलर का मतलब है लेस देन, तो क्या लेस देन की फैमिली चल रही है, हाँ डॉलर का मतलब लेस देन हो गया, इसका एक्सक्लेमेटरी का मतलब इक्वल हो गया, परसेंटेज का मतलब क्या हो गया मेरे पास में, लेस देन इक्वल टू, तो देखो पूरी फैमिली लेस देन की चल रही है, और जब सेम फैमिली चलती है तो उस कंडीशन में हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो जब क्यू आर से बड़ा है, आर एस के बराबर है, और एस टी से बड़ा बराबर है, मतलब छोटा कभी नहीं होगा, सॉरी एस टी से छोटा बराबर है, मतलब छोटा हमेशा होगा, ठीक है, बड़ा कभी नहीं होगा एस टी से, और क्यू आर से बड़ा होगा और आर तो एस के बराबर है, तो क्या मैं अगर इसको बनाऊंगा तो कुछ इस तरीके से बनाऊंगा कि क्यू आर से बड़ा है, आर और एस बराबर है, तो किसी को भी लिख लो, और सॉरी क्यू आर से छोटा है और आर और एस बराबर है, और एस छोटा बराबर है टी से, तो यहां से मेरा कंक्लूजन निकल के क्या आ जाएगा कि क्यू छोटा है टी से, और छोटे के लिए यूज क्या करते हैं डॉलर, और उसने डॉलर ही यूज किया, इसका मतलब थर्ड वन इज राइट। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर हो गया होगा। तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली फर्स्ट, ओनली थर्ड कंक्लूजन इज राइट, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर है। चलिए अब हमें नीड है कि हम उस वाले अपने डायग्राम को दोबारा नीचे बनाएं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन को हमें आगे लेके जाना है, तो हमें इसकी नीड है, बार बार उसको स्क्रॉल डाउन नहीं कर सकते। ये देखिए यहां पे हमने फिर से क्रिएट कर लिया है, इक्वल्स टू ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, इसका मतलब, इसका मतलब दैट इज योर एक्सक्लेमेटरी, दैट इज योर परसेंटेज, दैट इज योर हैश, डॉलर, सॉरी एट द रेट एंड डॉलर, यही है। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, यही था, ठीक है, हमारे पास यही है। तो अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग फिर से हम अपना क्वेश्चन देखते हैं, और इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखो वापिस वही है, ईजी है फॉर्म, क्योंकि डायरेक्टली लिंक दिया है, अगर ये डायरेक्ट लिंक नहीं होता तो दिक्कत आती। यहाँ पे देखो डी से एच पे जा रहा है, तो डी से एच पे जाना कोई बड़ी बात नहीं है, पूरा डायग्राम डी से एच पे जा रहा है, लेकिन क्या एक फ्लो में जा रहा है, ये देखना है। एक फ्लो का मतलब या तो सारे एलिमेंट इसी फैमिली के होने चाहिए या सारे की सारे इसी फैमिली के होने चाहिए, अगर दोनों आपस में मर्ज होगा इसका मतलब हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो देखो डी से एफ अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो डी, यहाँ पे आपके पास में हैश दिख रहा है, तो डी हैश एफ है, हैश का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एफ एट द रेट, एट द रेट मतलब भी ग्रेटर है, इट्स ओके, सेम फैमिली। ई, ई के बाद डॉलर, डॉलर लेस देन की फैमिली आ गई यहाँ पे जी के साथ, और ये मतलब बराबर हो गया, मतलब यहां से डी से लेके एच तक जाओगे तो ये जो दोनों फैमिली यहाँ पे दिख रही हैं ये कंपेयर होने नहीं देंगी, इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां तक क्लियर है सबको। चलिए सेकेंड आते हैं, एफ और जी की बात कर रहा है, जब वो एफ और जी की बात कर रहा है तो एफ और जी के केस में एफ से जी तक जाने के लिए यही बहुत है, और यहां पे भी कंपेयर नहीं कर पाओगे, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब देखो और आगे चले तो डी और जी आ रहा है, तो जब D और G आ रहा है तो हैश आ रहा है, हैश का मतलब ग्रेटर देन इक्वल्स टू, तो D से G में आप हैश का अगर यूज कर रहे हो तो वो भी गलत है, क्योंकि अगेन यहाँ पे अपोजिट फैमिली आ गई, तो ये भी क्या हो गया, गलत। लेकिन आपको एक चीज पता है, G और D क्या है, बराबर, मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है, इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो अब आप एक चीज देखिए, अगर मैं बात करता हूं इसकी तो पहले और तीसरे में एक सिचुएशन आ सकती है आइदर और की, मैं बताता हूं आइदर और की सिचुएशन कब आती है। आइदर और की सिचुएशन तब आती है जब आप दोनों एलिमेंट को कंपेयर नहीं कर पा रहे हो, उन दोनों एलिमेंट को जो सेम है, देखो पहले में भी डी है, दूसरे में भी डी है, तीसरे, और एच और जी तो बराबर ही है, तो इसका मतलब ये तो सेम एलिमेंट हो गए। तो जब सेम एलिमेंट हमारे पास में होते हैं, जैसे डी और एच पहले में भी है और डी और एच दूसरे में भी है, चाहे उल्टा बोल लो, डी और जी नीचे में भी है और डी और जी ऊपर में भी है, तो जब ऐसी सिचुएशन आती है, एलिमेंट सेम होते हैं, उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकल रहा होता है, लेकिन उनमें तीनों तरीके के साइन होने चाहिए, केवल तभी हम बोल सकते हैं कि इनमें से कोई सा एक सही हो जाएगा, आइदर और। लेकिन यहां पे जब मैं चेक करता हूं तो इसका मतलब होता है डी बराबर जी, और इसका मतलब होता है
डी हैश मतलब बड़ा बराबर जी, मतलब दो साइन तो आ गए, बड़े का और बराबर का, छोटे का नहीं आया, इसका मतलब यहाँ इधर और नहीं लगेगा, और जब इधर और नहीं लगेगा इसका मतलब जो आंसर ही, और आंसर इज नाइदर नॉर, तो इसका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज इज ट्रू। यहाँ तक क्लियर है मेरे हिसाब से, सबको समझ में आ रहा होगा, हमें स्पीड पे फोकस करना है, चीजें आपको पता है। कोई अगर दिक्कत हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि सर आइदर और का कंसेप्ट एक बार समझा दीजिएगा, डेफिनेटली आपको वो कंसेप्ट किसी एक क्लास के अंदर समझा दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अगेन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें हमारे पास एस से यू, देखो अब डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, अब जो एलिमेंट्स हैं उनमें डिफरेंस है, तो ये वाला जो डायग्राम है हमें एक बार फिर से यहाँ बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ऊपर जाने की टाइम नहीं है कि हम बार बार ऊपर जा करके उसको कंपेयर कर सकें। तो देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये हमने यहाँ क्रिएट किया ग्रेटर इक्वल, ये किया दैट इज योर एट द रेट प्लस हैश, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है, तो हम सीधे सीधे अपने क्वेश्चन के कंक्लूजन पे चलेंगे। एन और यू है, तो एन और यू को कनेक्ट कौन कर रहा है? तो देखो आपको एन से यू पे जाने के लिए एन से एम पे जाना पड़ेगा, फिर एम से ओ पे जाना पड़ेगा, और ओ से आपको एस पे और एस से यू पे जाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? एन से यू पे जाना मतलब पूरा की पूरा पाथ कवर करना, क्योंकि एन और यू, ओ के यू के बीच में और कोई लिंक नहीं है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, देखो इस वाले डायग्राम को अगर मुझे बनाना है तो मैं ऐसे बनाऊंगा एन एट द रेट एम हैश ओ, यहां तक क्लियर है? एन एम एम ओ, अब ध्यान रखना पड़ेगा आपको, इसके बाद ओ से एस पे अगर आपको जाना है ना, तो ये एस से ओ पे जा रहा है, तो जब एस से ओ पे जा रहे हैं तो डॉलर बीच में आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, एस डॉलर, डॉलर मतलब एस अगर ओ से छोटा है तो इसका मतलब अगर एस ओ से छोटा है तो ओ एस से क्या है, बड़ा है, ओ एस से क्या है, बड़ा है, और बड़े के लिए क्या आता है एट द रेट, तो आपको यहां लिखना है तो आप ओ एट द रेट एस लिखोगे। नहीं समझ में आया फिर बता रहा हूं, जब एलिमेंट उल्टे हो जाते हैं कोडिंग के केस के अंदर, तो आपको केवल एक ही काम करना होता है उस कंडीशन के अंदर, आपको यहाँ पे हमारे पास में अपना साइन चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप एस से ओ पे आ रहे हो तो डॉलर का अगर आप यूज कर रहे हो तो ओ से एस के लिए आपको एट द रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्लियर है? तो यहाँ पे देखो ये आपके पास, आप एस तक आ गए और एस से यू आप डायरेक्ट जा सकते हो, तो आपने एक्सक्लेमेटरी लगा के यू लिख दिया। अब आप एन से यू पे बहुत इजीली जा पा रहे हो, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, परसेंटेज, परसेंटेज मतलब छोटा बराबर, क्या एन यू से छोटा बराबर है ये बताना है। तो देखो चेक करते हैं, यहाँ पे एट द रेट आ गया बड़े का साइन, क्या आप छोटा बोल सकते हो जब बड़ा ऑलरेडी हो गया है? तो नहीं ना, तो हमें आगे जाने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कंपेरिजन यही करते है, यहाँ बड़ा है इधर बड़ा बराबर आ जाएगा, इधर अगर मैं बात करूं तो फिर बड़ा आ जाएगा, इधर बराबर आ जाएगा, तो क्या एन छोटा हो पाएगा? कभी नहीं, मतलब ये क्या हो गया, गलत। अगर आप बोलते हो एस से एम, तो जब एस से एम आ रहे हो तो आप उल्टा आ रहे हो ना ऐसे, तो पहले आप एम से एस चले जाओ ना, जब आप एम से एस जा रहे हो तो एम ओ से बड़ा बराबर है, अभी अभी हमने देखा यहाँ पे, जब एम ओ से बड़ा बराबर है, एम जब ओ से बड़ा बराबर है और ओ एस से बड़ा है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया हमारे पास में, एम भी क्या होगा एस से बड़ा हो जाएगा, क्लियर है यहाँ पे? और जब एम एस से बड़ा है तो इसका उल्टा, मतलब इसको क्या बोलेंगे, एम एस से बड़ा है तो एट द रेट, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एस एम से क्या हो जाएगा, छोटा, और छोटे को डॉलर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाला कंक्लूजन क्या हो जाएगा, राइट, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसी क्वेश्चन का थर्ड कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या कह रहा है, ओ से यू जाना है, तो ओ से यू आपको पता है इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि ये तो इक्वल है, तो एस की जगह यू लिखो या यू की जगह एस लिखो एक ही बात है, और ओ से तो एट द रेट हमने पहले ही बना रखा है, तो आप डायरेक्टली भी बोल सकते हो कि ओ एट द रेट यू सही है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ओनली बोथ कंक्लूजन सेकेंड एंड थर्ड आर ट्रू, आंसर नंबर थ्री, क्लियर है यहां तक सभी को? चलिए इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ठीक है, जितनी जल्दी हम क्वेश्चन कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है, उतनी अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस बनाए रखनी है कंटिन्यूअसली, मैं सेट्स इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि पढ़ाई करने का इतना नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है आप कितने अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट यदि हम मूव करें तो हमारा इसी के सेक्शन का अगला क्वेश्चन, तो उसको बनाने के लिए हम यहाँ पे अपना डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे पास में आगे हमारा डायग्राम, और इस कंडीशन के अंदर ये वापस हमने अपना डायग्राम क्रिएट किया,
इक्वस टू, ग्रेटर देन लेस देन, ग्रेटर देन इक्वस टू लेस देन, पता आपको हो ही गया होगा। इसका मतलब एट द रेट, इसका मतलब डॉलर, इसका मतलब परसेंटेज, इसका मतलब हैश और इसका मतलब अंडरस्कोर। ठीक है, यहाँ पे भी वापस वही सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आप यहाँ पे कंपैरिजन नहीं कर पा रहे हो, तो आप एक एग्जैक्टली एक रेल बना लो, एक ट्रेन बना लो, आप कंप्लीटली एलिमेंट्स को बैठा सको। ठीक है, जैसे x से w हो गया, w से u हो गया, u से v हो गया और x से t हो गया, तो मैं उठाऊंगा किससे, t से, मैं क्या उठाऊंगा, t के बाद एक्सक्लेमेटरी x, x के बाद w हैश के साथ जो कि यहां पे आपको दिया हुआ है दिख रहा होगा, और w के बाद देखो w से कौन आ रहा है, डॉलर के साथ u आ रहा है, और u से आप देखोगे तो u से परसेंटेज के साथ v आ रहा है। ये आपके पास में एक ट्रेन तैयार हो गई, अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे। यहां उसने हमें थोड़ा सा फंसाया है कि v से t ले गया है, कोई दिक्कत नहीं, हम अपने इस कंक्लूजन को उल्टा कर लेते हैं। v से t अगर है एट द रेट है, तो एट द रेट का अपोजिट कौन है, डॉलर, एट द रेट का अपोजिट कौन है, डॉलर। तो v से t यदि एट द रेट है, तो t से v क्या हो जाएगा, जाएगा, खत्म हो गया काम, इतना तो हम कर सकते हैं ना। अब बस यही देखना है क्या t से आपके पास में v जो है वो डॉलर का रिलेशन रख रहा है। तो t से x की बात करूं तो इक्वल है, हैश आता है तो बड़ा बराबर है, डॉलर है तो छोटा है और इसका मतलब छोटा बराबर है। कंपेयर कर पाओगे आप टी से वी को, बिल्कुल भी नहीं, दोनों फैमिली के साइन आ गए, मतलब पहला क्या हो गया, रॉन्ग। दूसरे पे आ जाओ, W से V, तो W से V यहां जा रहे हो और दोनों ही सेम फैमिली एलिमेंट है, लेस देन वाले आपको दिख रहा होगा, तो W यदि U से छोटा है और U छोटा बराबर है V से, इसका मतलब W इन तीनों में सबसे छोटा है, इसका मतलब क्या लिखेंगे, W छोटा है V से, और छोटे के लिए क्या आता है, डॉलर, तो क्या W डॉलर V है, नहीं, गलत। तो यहां तक क्लियर है सबको, चलिए आगे चलते हैं। W आपके पास आ रहा है डॉलर T, तो W से T के लिए तो मुझे यहां आना पड़ेगा, और आप देख लेंगे टी और एक्स में तो कोई डिफरेंस है, तो मैं एक्स की जगह टी लिख सकता हूं और यहां पे हैश लगा सकता हूं। तो हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब है बड़ा बराबर। आप डब्ल्यू से टी पूछा है, अपन ने टी से डब्ल्यू निकाला है, तो इसको उल्टा कर दो, और हैश का उल्टा क्या होता है, परसेंटेज, लेकिन यहां परसेंटेज भी नहीं है, यहां तो क्या है, डॉलर, तो ये भी क्या हो गया, गलत। तो इस सिचुएशन में यदि मैं बात करता हूं, तो इस सिचुएशन के अंदर कोई भी फॉलो नहीं कर रहा, टी और एक्स बराबर जरूर है लेकिन उससे भी हमें कोई फायदा नहीं मिल रहा, इसका मतलब नन ऑफ द कंक्लूजन इज ट्रू। क्लियर हो गया यहां तक, तो यहां तक मेरे हिसाब से सभी को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। टोटल हमने चार क्वेश्चन किए और आज का इसका इसी सेक्शन का, ये वाले सेक्शन का पांचवा क्वेश्चन आपके पास ये रहा। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर वापस से हमें वही डायग्राम एक बार बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे, उससे अच्छा है कि हम डायग्राम एक बार यहां बना लें, क्योंकि उससे हमें ज्यादा इरिटेशन होता है। चलिए, तो ये हमारे पास में क्या था, ये हमारे पास में था डॉलर, ये हमारे पास में क्या था, परसेंटेज, ये था हमारे पास में एक्सक्लेमेटरी, ये था हैश और ये था एट द रेट। चलिए अब वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, इसी क्वेश्चन के अंदर वापस आपको अरेंज करना पड़ेगा इसे, और जब हम वापस अरेंज करेंगे इसे, तो उस सिचुएशन के अंदर हमें लिंक करना पड़ेगा, तो यू से जे, जे से आर, आर से के से एल। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, यू डॉलर जे, जे से जे हो गया, अब जे से किसको पकड़ना है, आर को। तो देखो जब R से J एट द रेट है, R से J आपके पास क्या है, एक मिनट, R से J क्या है, एट द रेट, तो J से R क्या होगा, डॉलर, तो J से R क्या होगा, डॉलर, करने का बहुत अच्छा तरीका। और R से K करना है, तो देखो K से R यदि हैश है, तो R से K क्या होगा, परसेंटेज। ठीक है, और L से अगर K परसेंटेज है, तो K से L क्या हो जाएगा, हैश हो जाएगा। यहां तक क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये आपके पास में कनेक्शन तैयार हो गया। अब कुछ नहीं करना, कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहला कंक्लूजन कह रहा है के जे, तो के से जे पे आना है, तो ये के जे का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, के जे के कॉम्बिनेशन में डॉलर है, डॉलर का मतलब होता है छोटा, अभी अभी हमने देखा। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब होता है छोटा बराबर, मतलब एक ही फैमिली है, मतलब कंपेयर हो सकता है। तो इस केस के अंदर जब जे आर से छोटा है और आर के से छोटा बराबर है, तो जे किस से छोटा हो गया, के से छोटा हो गया। ठीक है, हमें ये पूछा गया है, तो J K से छोटा है, तो K J से क्या होगा, बड़ा। ये सारे काम आपको दिमाग में करना है, मैं केवल समझाने के लिए यहां लिख रहा हूं। तो K अगर J से बड़ा है, तो बीच में क्या आएगा, एट द रेट आएगा कि नहीं आएगा, तो फर्स्ट क्या हो गया, राइट। सेकंड, U से K जाना है, तो जब U से K जाना है आपको, तो देखो ये U से K जा रहे हैं हम, यहाँ पे U से K, और U से K के बीच में देखो एक डॉलर आया है, डॉलर का मतलब होता है छोटा, इसका भी छोटा, इसका छोटा बराबर, तो अब ये भी कंपेयर हो सकता है। और जब आप इसको कंपेयर करोगे, तो क्या लिखोगे, यू छोटा है के से,
और छोटे के लिए क्या साइन आता है? डॉलर। क्या छोटे के लिए डॉलर का साइन आ रहा है? यस, सेकंड वन इज राइट। और आर और एल तो बराबर हो ही नहीं सकते ना, क्योंकि आर और एल के बीच में एक के भी है जिसमें परसेंटेज भी आ रहा है, परसेंटेज मतलब छोटा बराबर भी आ रहा है, और हैश का मतलब आपके पास में बराबर, मतलब इनको तो कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो थर्ड वन इज रॉन्ग। कंपेरिजन के लिए सेम फैमिली होना जरूरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट एंड सेकेंड कंक्लूजन आर ट्रू। क्लियर है? यहां तक सभी को मेरे हिसाब से क्लियर होगा। तो ये इनइक्वालिटी का एक क्वेश्चन किया हमने, इसको स्पीड में करना है, इसमें कुछ बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि इस सिंबल के लिए मैंने ये साइन यूज किया है, इस सिंबल के लिए ये साइन यूज किया है। ये दिमाग में है तो मुझे ये बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, कॉपी में मैं एक बार बनाऊंगा। यहां मुझे आपको एक एक पर्टिकुलर क्वेश्चन समझाना है, इसलिए मेरे को बनाना पड़ रहा है। कॉपी में ये एक बार ही बनेगा और सारे क्वेश्चन उससे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है दैट इज ब्लड रिलेशन क्वेश्चन। यहाँ पे आपको फैमिली दिखाई दे रही है 9 मेंबर्स की, जिसमें ए से लेकर के आई तक 9 लोग हैं। ए मतलब नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1, और आई मतलब 9। ठीक है, उसमें बोला गया है कि ए एंड ई आर ट्विन सिस्टर, मतलब ट्विन्स हैं ये दोनों, ए और ई मतलब फीमेल हैं, एंड एच एंड आई आर ट्विन्स ब्रदर, ये क्या है? भाई हैं आपके पास। ठीक है, देर आर टू कपल्स इन अ फैमिली, दो कपल है मतलब 4 लोग तो यही हो गए मेरे पास में। ठीक है, और आगे दिया हुआ है ए इज डीज सीज डॉटर, ए सी की डॉटर है। तो इसको यदि हम यहाँ बनाना चाहें तो हम कहाँ बनाएंगे कि यदि मेरे पास में यहाँ कहा गया है कि ए सी की डॉटर है, तो सी को अगर मैं यहां बनाता हूं तो ए इज सीज डॉटर, ये हो गया। और देखो ए और ई के लिए बोला गया है कि ये ट्विन सिस्टर है मतलब साथ में होंगी, ये मैंने ई और बना दिया। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है? आगे देखते हैं। एफ एंड जी डू नॉट हैव एनी डॉटर, एफ और जी के कोई डॉटर नहीं है। अब देखो ये एफ और जी भाई बहन या कुछ भी हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ भी हो सकते हैं, एफ और जी के कोई डॉटर नहीं है, सन हो सकता है। बी एंड जी आर दी ब्रदर, बी और जी क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब मैं अगर बनाना चाहूं तो बी तो यहाँ पे ब्रदर हो जाएगा, एंड जी इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, एंड डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए एंड आई, डी ए और आई के ग्रैंड फादर हैं। ए और ई के हो गए, ए और आई के हैं, इसका मतलब एक और यहाँ पे इनका कजन है जो अलग चल रहा है, या भाई या बहन है, तो उनके कौन ग्रैंड और ग्रैंड फादर है? यहाँ पे अगर मैं बना दूं तो डी ग्रैंड फादर है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखिए उन्होंने कहा है 9 लोग हैं, 9 लोग हैं, और सी जो है वो ए के मदर या फादर कुछ भी हो सकता है, और बी और जी ब्रदर और सिस्टर हैं, बी और जी ब्रदर और सिस्टर हैं। चलिए तो आगे देखते हैं। बोला गया है दो कपल हैं, एच एंड आई आर द ट्विन ब्रदर एंड ए एंड ई आर द ट्विन सिस्टर्स। ठीक है, डी इज द ग्रैंड फादर ऑफ ए एंड आई, इसका मतलब अलग भी जा रहा है हमारे पास। अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, एफ एंड जी डू नॉट हैव एनी डॉटर, और बी और जी जो है ये आपस में भाई बहन है, और एफ एंड जी, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पे कि जो सी है ये फीमेल अगर मैं बनाता हूं, और ये जी जो है ये सिस्टर हो गई बी की, तो यहां पे अगर मैं बी रखता हूं थोड़ी देर के लिए, ये मेरे पास में बी है जो कि मेल है, ठीक है, ये डी का सन है, और एक ये जी है जो कि डी की डॉटर है। यहां तक बात आई थिंक समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब देखो जी एंड एफ के कोई भी फीमेल चाइल्ड नहीं है, जी एंड एफ डू नॉट हैव एनी डॉटर, तो जी की शादी में किससे करा देता हूं एक बार, क्योंकि जी एंड एफ साथ में लिया है तो जी और एफ की शादी यहां हो जाएगी। और बी को यदि मैं चाहूं तो बी को सी के साथ रख सकता हूं, क्योंकि सी इज द डॉटर ऑफ सॉरी ए इज द डॉटर ऑफ सी, तो ये हो गया मेरे पास सी। क्लियर है? अब देखो यहां पे टोटल 4 लोग तो ये हो गए, 5, 6, 7, और 2 बच्चे और हैं जो कि किसके हैं? जी और एफ के हैं, ये यहां आ जाएंगे। ये कौन हो गए? एक तो आई चाइल्ड हो गया, और दूसरा चाइल्ड कौन हो गया उसके पास में? एच हो गया। ये फैमिली तैयार हो गई आपके पास। यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर होगा? थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ट्विन्स हैं, ग्रैंड डॉटर ग्रैंड फादर का रिलेशन आ रहा है, इसका मतलब ये थर्ड जनरेशन और ये फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, और बी और जी क्योंकि ब्रदर एंड सिस्टर हैं तो ये सेकंड जनरेशन में आ गए, और क्योंकि जी और एफ का कोई भी डॉटर नहीं है तो ये हस्बैंड वाइफ हो गए, और ए इज द सीज डॉटर तो सी यहां पे आ गया, और बी उसका हस्बैंड हो गया सी का। ठीक है, और जी किसके साथ मैरिज हो गई? एफ के साथ, तो एफ मेल क्यों हुआ? क्योंकि जी सिस्टर है बी की रेस्पेक्टिवली, बोला गया। डायग्राम क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द कपल इन द फैमिली, तो कपल इन द फैमिली कौन है? एक तो बी सी है और एक कौन है? जी एफ है। तो बी और सी दिया नहीं हुआ, जी और एफ दिया हुआ है, दैट इज आंसर नंबर 2। ये क्लियर हो गया यहां तक? सेकेंड क्वेश्चन, हाउ इज एच रिलेटेड टू ई, एच का ई से क्या रिलेशन है? तो भैया एच ये रहा और ई ये रहा, ये कजन्स है, दोनों थर्ड जनरेशन में है ये, तो एच और ई क्या है? कजन्स है, ब्रदर नहीं है। ब्रदर क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एक इसमें फीमेल है और एक मेल है, तो दोनों ब्रदर्स तो
नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हु इज बीज ब्रदर इन लॉज स्पाउस, सॉरी हु इज एफ्स ब्रदर इन लॉज स्पाउस। तो एफ का ब्रदर इन लॉ, एफ ये है, ये एफ की वाइफ है, एफ की वाइफ का भाई कौन है, बी। तो एफ का ब्रदर इन लॉ कौन हो गया, बी। तो हु इज एफ्स ब्रदर इन लॉ, तो एफ का ब्रदर इन लॉ कौन है, बी। और बीज स्पाउस, स्पाउस मतलब पति या पत्नी, तो बी अगर पति है तो उसकी पत्नी कौन है, सी। आंसर इज सी। यहां तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। आज की क्लास के लिए इतना ही, हम कोई भी टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कम से कम टाइम में 20 मिनट के अप्रोक्सीमेटली हम ज्यादा क्लास नहीं रखेंगे और उसमें क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं आगे की क्लास में ये ट्राई करूंगा कि आपको कुछ टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन कराए जाए। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।